तो या तो मीडिया में आके सच बता दो या फिर शट योर माउथ। तुम मुझे डाइवोर्स दोगे ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें तलाक दूं ये मैं होने नहीं दूंगी। मुझे डर लग रहा था तो मैंने वो फ्रिज वाला मैटर बोला। अब वो बोलते मैं सुशांत सिंह भी हो सकता हूँ। भाई तुम कभी सुशांत सिंह अगले 7 जन्म में नहीं हो सकते। सुशांत सिंह है, आप आदिल खान दुर्रानी है। करप्टेड माइंड, क्रिमिनल माइंड। अभी अभी आपने इंस्टा पे जो पोस्ट किया है आप लोगों ने देखा है, तो मुझे लगता है आदिल को सारी मीडिया के सामने आना चाहिए और सब सच बोलना चाहिए। अगर मैंने आदिल को कहीं से भी कुछ भी गलत किया है तो उसको मीडिया के सामने आके सब कुछ सच बोलना चाहिए। राखी जी, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, आप भी बता रही हो काफ़ी कुछ फेस कर रही हो आप अपने जीवन में, उसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ तक आपका प्रोसेस पहुँचा है? देखिए आपको तो सारी बातें पता ही है। आज ही सुबह हम दोनों के बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हुई है कि अब उन्होंने कहा है कि अब मैं पलट के उस लड़की के पास नहीं जाऊंगा, जो एक स्ट्रगलर लड़की जो एक है जो 8 साल से स्ट्रगल कर रही है लेकिन कुछ नहीं कर पाई। ज़्यादा ज़्यादा वो छोटे छोटे कपड़े पहन के पार्टियों में गई है या आदिल के आगे पीछे घूमी है। वो लड़की का नाम लेकर उसे मैं स्टार नहीं बनाना चाहूँगी, इसीलिए वो उसने आदिल को फंसाया है अपने जाल में कि ब्लैकमेल भी कर रही है गंदी गंदी वीडियो से। अब एक बार आदमी आप समझ सकते हैं तो उसके बाद ऐसी वीडियोज़ हैं वो ब्लैकमेल कर रही है। वो उसको ऐसा लगता है कि मैं बॉलीवुड में आऊँगी और राखी सावंत उसकी बीवी सब वायरल कर देगी तो वो स्टार बन जाएगी। उसको बिग बॉस, हर कोई बिग बॉस के लिए ही जाता है मेरा इस्तेमाल करके। उसको लगता है उसको बिग बॉस में चांस मिल जाएगा वो लड़की को और ये दोनों सुपरस्टार बन जाएंगे। भाई ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप किसी को इस्तेमाल करें, आप किसी का इस्तेमाल करके आगे सीढ़ी चढ़ जाए और आपको खुदा परमेश्वर बिना मेहनत के आप कामयाब हो जाए, मुझे तो नहीं लगता। ये लड़की भी काम करती है दिन रात, इसका नेल आर्ट है, दिन रात मेहनत करती तब जाके पैसा कमाती है। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ तब जाके मैं पैसे कमाती हूँ, मैंने कभी किसी का इस्तेमाल नहीं किया। वो लड़की को लगता है जो आदिल की ज़िंदगी में थी उसको आज नहीं है, क्योंकि आदिल ने मुझे कहा है, वादा दिया है कि आज के बाद वो नहीं रहेगी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आदिल वापस घर आ गया है और आदिल ने पैचअप मेरे साथ कर लिया है, और मैं और आदिल अभी उस लड़की का नाम कभी नहीं लेंगे और ना ही हमें उस गंदगी में जाना है। आपने जैसे कहा कि आप उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहती, बट कुछ हिंट देना चाहती हूँ आपके फैंस के लिए, क्योंकि वो जानना चाहती कि वो लड़की आखिर है कौन। सॉरी वो इतना है कि बॉलीवुड में वो 8 साल से स्ट्रगल कर रही है, 37 ईयर ओल्ड है और छोटे छोटे कपड़े पहन के आदिल के आगे पीछे घूमती है। तो आदिल छोटे कपड़े पहन, मैं तो हॉट और हैपनिंग बॉलीवुड की लड़की हूँ, मेरी मीडिया को पूछ लो, हॉट और हैपनिंग, मेरे से ज़्यादा हॉट लड़की कहाँ मिलेगी आपको। और आप एक कोहिनूर हीरा छोड़ के एक कचरे के पीछे चले गए, वो एक कचरा है एक नंबर की। मुझे उसने फ़ोन करके इतनी गालियाँ दी है लेकिन आदिल ने उसको सपोर्ट किया था, इसलिए उसकी हिम्मत हुई मुझे गालियाँ देने की बीवी को। मैं मुझे जिस जगह जहाँ मिलेगी वो लड़की को मैं चप्पल से मारूंगी, चप्पल से। तो जहाँ मिली मुझे एड्रेस, तो अभी कल ही एड्रेस मिल गया उसका एड्रेस, वो मेरे ही बिल्डिंग में रहती है भैया, इम्पीरियल हाइट्स में। हाँ तभी आदिल कह रहे थे कि हम लोग इम्पीरियल हाइट्स में चलते हैं ना रहने, वहाँ का स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेंगे, जिम करेंगे। मुझे मालूम ही नहीं ना आदिल कि वो वहाँ रहती है। तो तुम्हारी ख्वाहिश तो ये पूरी कभी नहीं होगी आदिल कि मैं इम्पीरियल हाइट्स में रहने जाऊँगी, और तुमने बहुत गलत किया। आज मुझे तुमने मीडिया में बुलवा दिया, क्या आप हम लोग एक हो गए, हम लोग एक ही हो गए, हम आप मेरा प्यार है, आप मेरे शौहर है, और मैंने आज बोल भी दिया मीडिया में। लेकिन ऐसे ही आपने अपने इंस्टाग्राम पे एक गंदा सा पोस्ट डाला है खुद को शरीफ साबित करने के लिए, जो कि आप है नहीं। आपको लगता है कि मुझे मेरा मुंह और खोलना चाहिए? नहीं ना। तो या तो मीडिया में आके सच बता दो या फिर शट योर माउथ। माफ़ किया ना मैंने, तो ये जो 4 राइटर रखे हो ना तुम पीछे से अपने छवि पॉजिटिव बनाने के लिए, बंद करो। 4 वकील रखे हैं और बार बार जितनी रोटियां नहीं खाता उतनी तो डाइवोर्स की धमकी देता है मुझे। तुम मुझे डाइवोर्स दोगे ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें तलाक दूं ये मैं होने नहीं दूंगी। क्या बात है राखी जी, आपने जहाँ तक कहा था आपके पिछले इंटरव्यूज में कि उनके पास पैसे नहीं थे, आपने उनको बनाया आदिल जी को, बट उसके पहले आपने कहा था कि वो काफी बड़े बिजनेसमैन है, क्योंकि वो झूठ बोला था मैंने। उसका रीजन ये है कि मैं उनकी छवि को बहुत ऊंचे लेवल पर दिखाना चाह रही थी, उनकी छवि को, क्योंकि मैं कभी कोई ना बोले कि अरे कौन से लड़के के साथ राखी ने शादी कर ली है, एक फुकरे लड़के के साथ या ये, तो दिखने में तो किंगे लगता है
लेकिन नहीं था तो मेरे पास था तो क्या फ़र्क पड़ा। वो कोई बिजनेसमैन नहीं थे लेकिन, और उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं दिया सिवा आंसू के। मैं अपने कुर्ते पर धब्बा लगने नहीं दूंगी, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा। तो मेरी चुनरी में दाग आप जितने भी लगाओ, मैं मीडिया के सामने आऊंगी और आती रहूंगी और मैं अपने पर दाग लगने नहीं दूंगी, क्योंकि आप मेरा नाम ख़राब नहीं कर सकते। वक्त आने पर जब आदिल अब सही नहीं सुधरेंगे तो वक्त आने पर मुझे लगता है कि मुझे सारे राज खोलने पड़ेंगे। ये आज मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैंने आज ही कहा कि आदिल वापस लौट कर आ गए, लेकिन आदिल ने जैसे मैंने मीडिया में बोला इतने में ही उन्होंने एक पोस्ट किया गंदा सा सुशांत सिंह में, जब ये फ्रिज वाला मैटर जो था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था तो मैंने वो फ्रिज वाला मैटर बोला। अब वो बोलते मैं सुशांत सिंह भी हो सकता हूँ। भाई तुम कभी सुशांत सिंह अगले 7 जन्म में नहीं हो सकते। सुशांत सिंह सुशांत सिंह है, आप आदिल खान दुर्रानी हैं, करप्टेड माइंड क्रिमिनल माइंड।